बाड़मेर व बालोतरा में सब्जी विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोरोना ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने 7 दिनों के लॉकडाउन के बाद बाजार तो खोल दिए, लेकिन पुरानी सब्जी मंडी को अभी भी बंद रखा है। कृषि उपज मंडी स्थित सब्जी मंडी को सुबह 5 से 11 बजे खोलने के निर्देश दिए गए। रविवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित सब्जी मंडी भी बंद नजर आई। यहाँ कुछ ठेले वाले ही सब्जी बेचते नजर आए। शहर में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं और इसकी वजह बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा 10 जुलाई को दिए गए आदेशों की पालना नहीं होने और न ही इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना है। जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने आदेश दिए थे कि बाड़मेर में 11 जुलाई से कृषि उपज मंडी में प्रातः 5 से प्रातः 11 बजे तक ही इसे खोला जाएगा। वहीं शहर में बाजार 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाएंगे। उन्होंने बाजार खोलने के संबंध में उपखंड अधिकारी बाड़मेर और उपाधीक्षक पुलिस को निर्देशित किया था कि वे इस संबंध में ठोस पालना सुनिश्चित कर पाए। यह तो हो गई, उन्होंने नियमित रूप से प्रतिदिन शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों की भी पालना हो गई, लेकिन जिला कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि कृषि उपज मंडी में निर्धारित समय अवधि में केवल मात्र पहचान पत्र धारी ठेले वालों एवं वेंडर्स के लिए ही इसे खोला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि यहां आमजन का प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया था कि सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए मंडी में आने वाले ठेले वालों और वेंडरों को नियमानुसार पहचान पत्र जारी किया जावे, ताकि पहचान पत्र धारी ही मंडी में प्रवेश कर सके। उन्होंने मंडी प्रवेश द्वार पर आवश्यकता अनुसार पुलिसकर्मी तैनात करने की भी बात कही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर शहर में अवस्थित पुरानी सब्जी मंडी को अग्रिम आदेशों तक नहीं खोलने का निर्णय पहले ही दिया जा चुका है और वृंदावन धाम के सामने की सब्जी मंडी में पास और अनुमति के अभाव में बेमियादी बंद नजर आ रहा है। यही वजह है कि इक्का दुक्का सब्जी विक्रेता सब्जी लेकर महंगे भाव में सब्जी बेच रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अपने आदेशों को जारी करके भूल जाना बाड़मेर शहर के हजारों परिवारों के बजट को गड़बड़ा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को जरूरत है कि अपने आदेशों के जारी करने के बाद उसकी पालना पर भी ध्यान देना, ताकि आम जनता को भयंकर समस्या से जूझना ना पड़े।